स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर ट्वेंटी और चैप्टर ट्वेंटी फोर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में एवोल्यूशन के बारे में तो चैप्टर नंबर में हमने डिस्कस करना है किसको एवोल्यूशन को डिस्कस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो देखें ये एवोल्यूशन होता क्या है पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन तो आपकी बुक में नहीं दी हुई एवोल्यूशन की लेकिन मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एवोल्यूशन को थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा हूं कि एवोल्यूशन होता क्या है तो कहते हैं वर्ड एवोल्यूशन रेफर रेफर टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग मतलब ये जो एवोल्यूशन का लफ्ज है ये किसको रेफर कर रहा है ये रेफर रेफर करता है टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग किसी चीज का आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली किसी चीज में चेंज होना और उसका ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या होना डेवलप होना अब मिसाल के तौर पे आप देखो आ, ये इस वक्त जो आपने अगर ये मेरी क्लास आप किसी स्मार्टफोन पे ले रहे हो एंड्रॉइड फोन पे ले रहे हो या आप मेरी क्लास लैपटॉप पर ले रहे हो तो आप देखो इस लैपटॉप की या जो इसका आपके पास ये स्मार्टफोन है इसकी भी तो एवोल्यूशन हुई है ना मतलब ये इसी फॉर्म में तो हमेशा से नहीं था पहले एक सिंपल फॉर्म आई थी इसकी फिर वो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हुई फिर वो इस फॉर्म में आ गया जो आपके पास है अभी इसमें मजीद चेंज आएगा इसमें मजीद चेंज आता रहेगा और ये चेंज आना बेसिकली ये चीजों के अंदर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना जो है यही क्या कहलाता है यही कहलाता है एवोल्यूशन अब देखें ये जो चीजें नई नई आपके सामने आ रही हैं हर चीज के अंदर रेवोल्यूशन आ रही है जिसको आप ऋतिका कहते हो उर्दू में क्या कहते हो इर्तिका तो ये आपको अपनी सराउंडिंग में जो चीजों में चेंज आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चेंज आ रहा है तो ये इंसान के दिमाग का जो है वो ह्यूमन के दिमाग जो है उसकी भी तो एवोल्यूशन हो रही है ना उसके साथ साथ वो नई चीजें जो है वो क्या कर रहा है डिस्कवर कर रहा है उसके साथ साथ नई नई चीजें इन्वेंट हो रही हैं तो एक बात सुनो ये तो मैं जर्नल सी बात कर रहा हूं हमने तो एवोल्यूशन में यहां पर बात करनी है कि लिविंग थिंग किस तरीके से हुआ तो द द एवोल्यूशन दर्ल्ड एवोल्यूशन रेफर टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग किसी चीज का ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या होना डेवलप होना मिसाल के तौर पे एवोल्यूशन ऑफ अर्थ तो ये अर्थ जो है जो जमीन आपको नजर आज जैसी नजर आ रही है हमेशा से ये ऐसी नहीं थी और ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी जब से ये बनी है उस वक्त से लेके ये आता हो रही है यानी इसके अंदर क्या आ रहा है चेंज आ रहा है एवोल्यूशन ऑफ मैन यानी इंसान भी जैसा बना इंसान एक जैसा हमेशा से नहीं था उसमें भी क्या आ रहा है चेंज आ रहा है इवन प्लांट्स के अंदर भी क्या आ रहा है चेंज आ रहा है और प्लांट भी हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आपको नजर आते हैं एंड सो एंड सो सोफार मतलब ये एवोल्यूशन है थी और ये क्या होगी ये चलती रहेगी तो चलो आपकी बुक में जो एवोल्यूशन के हवाले से जो बातें बताई गई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ये जो हमारी यूनिवर्स है ये जो हमारी यूनिवर्स है जो आज हमें अपनी यूनिवर्स नजर आ रही है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी देखो हमारा प्लेनेट जो है जिस प्लेनेट हम अर्थ पर रह रहे हैं अर्थ किसका पार्ट है सोलर सिस्टम का पार्ट है और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है गैलेक्सी का पार्ट है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं ऐसी बिलियंस मिल्की वे मिलकर क्या बना रही है हमारा यूनिवर्स बना रही है तो क्या हमारा ये यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही था ऐसा नहीं है अगर मैं बात करूं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की ये हमारी कायनात जो है ये कब ओरिजिनेट हुई तो कहते हैं कि आज से कहते हैं सोफोर ट्वेंटी बिलियन एरो ट्वेंटी अगो पहले जो है वो हमारी जमीन जो है हमारी यूनिवर्स हमारी यूनिवर्स जो है वो क्या हुई ओरिजिनेट हुई ये कैसे यूनिवर्स हमारी ओरिजिनेट हुई हमारी यूनिवर्स की ओरिजिन के हवाले से जो थ्योरी दी गई है यूनिवर्स की ओरिजिन के हवाले से जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी एक सिर्फ एक यही एक थ्योरी है किसकी ओरिजन ऑफ यूनिवर्स के हवाले से जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी अब ये बिग बैंग बेसिकली है क्या बिग बैंग एक तरीके का एक एक्सप्लोजन है एक धमाका जिसको आपको हो गे. देखो कहते हैं कि इस यूनिवर्स के बनने से पहले यूनिवर्स कैसे बनी तो देखें यूनिवर्स के बारे में कहा जाता है कि एक पार्टिकल था हमें इस पार्टिकल के बारे में कुछ नहीं पता और इस वक्त जब यूनिवर्स इस पार्ट एक पार्टिकल था और उस वक्त जो है वो ना कोई टाइम था और ना कोई क्या था इस पेस था। फिर क्या हुआ इस पार्टिकल में एक एक्सप्लोजन हुआ एक धमाका हुआ इस पार्टिकल में और इससे जब इसमें धमाका हुआ इसमें एक ब्लास्ट हुआ तो इस, इन दिस इन 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 ब्लास्ट की वजह से लॉट ऑफ लॉट एनर्जी कम आउट यानी इसमें से बहुत सारी एनर्जी क्या है निकलती गई और ऐसे ये एनर्जी एक्सपेंड होती गई ऐसे क्या बनती गई ये एनर्जी क्या होती गई एक्सपेंड होती गई अब क्या था कि जहां जहां तक ये एक्सपेंड हुई उस एरिया को आप क्या कह दोगे इस एरिया को यानी जहां जहां तक ये एक्सपेंड हुई इस एरिया को हम क्या कहेंगे स्पेस इस, इस एरिया को हम क्या कह देंगे इसको हम स्पेस इस कह देंगे तो क्या था एक पार्टिकल था उस पार्टिकल में ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट होने की वजह से क्या हुआ कि उस ब्लास्ट की वजह से लॉट्स ऑफ एनर्जी कैम आउट फ्रॉम दिस पार्ट इस पार्ट से बहुत सारी एनर्जी निकली और वो एनर्जी क्या होना शुरू हुई एक्सपेंड होना शुरू हुई जिसकी वजह से क्या बना ये स्पेस बना फिर क्या हुआ ये जो एनर्जी थी ये एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें मैटर में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर यानी एनर्जी कैन कन्वर्ट इन टू मैटर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो सकती है मैटर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है देखो तो सब यहां पर जो यहाँ पर सबसे पहले जो कहते हैं एटम बने वो कौन से बने हीलियम एंड हाइड्रोजन हीलियम और हाइड्रोजन के जो है वो सबसे पहले क्या कहते हैं कि ये एटम बने सबसे पहले यहां पर अब ये जो हीलियम और हाइड्रोजन के एटम थे वो ग्रेविटी की वजह से क्या होना शुरू हुए कंडेंस होना शुरू हुए अब वो कंडेंस जब हुए और उनके मिलने से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो दूसरे एटम्स या एलिमेंट बनना जो है वो शुरू हुए और कहते हैं कि इन्हीं के हीलियम और इनके मिलने से जो है यहाँ पर क्या बने यहाँ पर स्टार्स बन गए क्या बन गए स्टार्स बनना शुरू हो स्टार क्या है बेसिकली स्टार आर ह्यूज बबल ऑफ गैसेज आपको पता है स्टार क्या है ये ह्यूज बबल ऑफ गैसेज हैं अब क्या हुआ कि इन्हीं में से एक था, एक बड़ा इस बड़े में भी धमाका हुआ और कहते हैं कि इस बड़े स्टार में जब धमाका हुआ और उसमें से उस स्टार के अंदर से बहुत सारा डेब्रिज और ये सब चीजें जब निकली तो उन्हीं डेब्रिज में से ये क्या बन गए उसमें से ये बन गए आपके प्लैनेट्स क्या बन गए ये आपके प्लैनेट्स बन गए और उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट कौन सा है हमारा अर्थ एक प्लैनेट क्या है एक प्लैनेट है हमारा अर्थ ये हमारा अर्थ जो है वो ओरिजिनेट हुआ तो को, बिग बैंग तो हुआ था कितना ट्वेंटी बिलियन एयरगो पहले और हमारी जो अर्थ बनी है ये बनी है फाइव बिलियन एयरगो पहले कहीं पर कुछ बुक्स में फोर पॉइंट फाइव है

हमारा ये यूनिवर्स जैसा है ये हमेशा से ऐसे नहीं है एक पार्टिकल था सही है ये एक पार्टिकल था और इस वक्त ना टाइम था ना स्पेस था फिर क्या हुआ इस पार्टिकल में ब्लास्ट हुआ इस पार्टिकल में ब्लास्ट हुआ सही है उसी ब्लास्ट को हम क्या कह रहे हैं बिग बैंग कह रहे हैं और उस ब्लास्ट इसमें से लॉट ऑफ एनर्जी कम आउट इसमें से बहुत सी एनर्जी निकली और वो एक्सपेंड होना शुरू हुई एनर्जी और ये एनर्जी एक्सपैंड होना शुरू हुई तो इससे क्या बन गया इससे बना ये स्पेस फिर इसमें जो एटम्स है जैसे हाइड्रोजन हो गया हीलियम हो गया अब एनर्जी कैन कन्वर्ट इन टू मास हुआ कि उसमें से जो वो एनर्जी जो है वो एटम्स और सब्जियां कंडेंस होना शुरू हुई तो इससे क्या बन गया इससे बने लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड स्टार्स क्या बन गया ये स्टार्स स्टार्स के अंदर हमें पता है कि गैसेस हैं अब उनमें से एक बड़ा स्टार जो था उसमें बड़े स्टार में से क्या हुआ एक्सप्लोजन हुआ और उससे जो है वो जो डेबरी और चीजें निकली उससे प्लैनेट्स बन गए और वो बड़ा स्टार किस में कन्वर्ट हो गया सन में और इन्हीं प्लैनेट में एक प्लैनेट था हमारा अर्थ तो हमारा ये अर्थ इस तरीके से ओरिजिनेट हुआ अच्छा अब एक और बात सुन लो जब ये हमारा अर्थ बना था जिस वक्त हमारी ये जमीन बनी थी उस वक्त ये बिल्कुल रफ थी ड्रफ एंड ड्राई और उस वक्त क्या था इस बहुत ज्यादा हॉट अप हीट मतलब बहुत ज्यादा जो है वो इसमें क्या था बहुत ज्यादा ये गर्म थी क्योंकि आपको पता है कि हमारे जमीन के सेंटर में क्या है मैग्मा है अभी भी जो है वो लावा जिसको आप कहते हो गर्म लावा हो, हमारे अर्थ के सेंटर में है लेकिन उस वक्त जो अर्थ जमीन ताज़ा ताजा बनी थी तो ये मैग्मा एक तरीके से क्या था पूरी जमीन ही इसी तरीके से क्या थी गर्म थी अच्छा जमीन गर्म थी कई कई वेल्कनोस्ट है उनकेश्शन भी होती थी इन वालों से गैसेस निकलती थी और स्पेशली यहाँ पर इस वक्त जमीन पर कौन कौन सी गैसेस थी कार्बन डाइऑक्साइड थी इसके अलावा मिथेन थी अमोनिया थी हाइड्रोजन थी लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो इस वक्त हमारी जमीन की जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था वो था रिड्यूसिंग 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 किसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है जब ऑक्सीजन नहीं थी तो इट मीन लेयर भी मौजूद नहीं थी और वाटर भी नहीं था जमीन पर क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर आप खुद बताओ वाटर जो है वो कैसे रह सकता था वाटर तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता तो मतलब वाटर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में क्या था मौजूद था चारों तरफ वाटर किस मौजूद किसकी फॉर्म में मौजूद था वेपर्स की फॉर्म में मौजूद था अच्छा फिर कई बिलियन सालों के बाद जमीन में जब थोड़ा ठंडी हुई जमीन टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ तो ये वेपर्स जो है वाटर के जो वेपर्स थे ये किसमें कन्वर्ट हो गए ये कन्वर्ट हो गए क्लाउड्स में ये किस में कन्वर्ट हो गए क्लाउड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए और फिर बारिशें होना शुरू हुई और क्या हुआ कई मिलियन सालों तक जो है जमीन पर सिर्फ क्या होती रही होंगी बारिशें ही जो है वो क्या है होती रही और उन बारिशों की वजह से फिर क्या हुआ कि ये सॉरी इसको मैं एक दफा फिर ड्रा करना पड़ेगा मुझे ये जमीन इन बारिशों की वजह से क्या हुआ कि ये जो गढ़े बीच में आपको जमीन में नजर आ रहे हैं ये गढ़े पानी से भर गए ऐसे इन गढ़ों में पानी भर गया और जब इन गढ़ों में पानी बना भरा भरा तो इससे क्या बन गए समंदर इससे क्या बन गया इससे बन गया ये आपका समंदर यहां पर बन गया यहां तक मैंने बात की जमीन पर इस वक्त जमीन पर कोई ओजोन लेयर नहीं है टेम्परेचर इस वक्त भी जमीन का क्या था ज्यादा ही था लेकिन उस तरह का नहीं था जिस तरह पहले था कम से कम इसमें वाटर जो है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं था कि अब तमाम वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो फिर वाटर जो है वो यहां पर आकर जमा हो गया अब क्या हुआ अब देखो जमीन पर जिंदगी कैसे आई तो जमीन पर जिंदगी आने के हवाले से तो आपकी बुक कह रही है थ्री पॉइंट फाइव बिलियन एरोग पहले जमीन पर क्या आई है जिंदगी आई है तो अब जिंदगी जमीन पर स्टार्ट कैसे हुई तो देखो जमीन के अंदर पानी था ना इस पानी के अंदर ही कुछ रिएक्शन हुए और रिएक्शन किसके दरमियान में हुए ये जो गैसेस थी कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन हो गया अमोनिया हो गई और ये इनके दरमियान में क्या हुए रिएक्शन हुए अब इन अंदर पानी के अंदर हॉट स्प्रिंग्स थे वहां पर ये रिएक्शन हुआ अब जाहिर सी बात है इन रिएक्शन को कराने के लिए जमीन पर जो एनर्जी थी उस वक्त वो किसकी एनर्जी थी एक तो लाइटनिंग एक तो लाइटनिंग जो हो रही थी गरज चमक जो होती थी और वेलकनोज जो थी उसकी ये एनर्जी थी और इसी एनर्जी की वजह से जो है क्या हुआ इनके दरमियान में रिएक्शंस हुए सही इन गैसेज में अब जब इनमें रिएक्शंस हुए तो क्या क्या बन गया तो इनमें जब रिएक्शन हुए तो इनके रिएक्शन से बना अमाइनो एसिड्स बन गए इनसे जो है वो लिप अमाइनो एसिड बने इनसे इसी तरीके से इनसे कुछ लिपिड्स बन गए लिपिड सिंपल फॉर्म में बन गए कुछ आ, मोनो आ, इसके अलावा न्यूक्लोटाइड बन गए इनसे जो है वो मोनोसेक्राइड बन गए अब यह माइनोसिड मिले तो प्रोटीन बन गया लिपिड्स मिले तो डिफरेंट फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लोटाइड मिले तो आरएनए बन गया और मोनोन्यूक्लो मोनोसेक्राइड मिले तो पोलिसक्राइड बन गए और इन्हीं ये माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल बने और इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल से एक सेल जो है वो क्या हुआ ओरिजिनेट हुआ इनसे क्या ओरिजिनेट हुआ एक सेल अब आप कहोगे कैसे इन चीजों से मिलने से ये चीजें बन सकती हैं देखो अभी तो ये काम नहीं हो सकता अभी तो अगर आप ऐसे लिविंग और, अभी अब ये ये तो एबायोजेनेसिस वाले को आ, फ,

इस एटमॉस्फेयर में या इस इस ये जो आज हमारी जमीन की क्लाइमेट है इसमें एबायोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव है कि इस तरीके से अमाइनो एसिड इस तरह के इन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन इसको मिलाकर आप अमाइनो एसिड बना सकते हैं अगर आपको उसी तरह की क्लाइमेट दें लैब में लैब में अगर इसी तरह की क्लाइमेट जो पहले जमीन पर थी अगर वो दें तो आप ये इस तरह से इन चीजों को मिलाकर क्या बना सकते हो इन चीजों को मिलाकर आप uh, बना सकते हो माइक्रोमोलिक्यूल से आप मॉलिक्यूल्स बना सकते हो तो इस तरह से जमीन पर जो है वो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या था वो प्रोकेरोड्स था प्रोकेरोड्स के अंदर भी वो आर किया था अच्छा उसके बाद फिर क्या था कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया इसको भी मैंने आगे भी डिस्कस करना है तो यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूं पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया वो था, नहीं, वो था करके खाता था फिर मजीद थोड़ा चेंज आया तो वो कीमोसेंथेटिक हो गया कीमोसेंथेटिक के बाद वो फोटोसेंथेटिक हो गया मतलब न्यूट्रिशन में ऐसे चेंज आया जब फोटोसेंथेटिक वो हो गया तो बैक्टीरिया था या प्रोकेर स्पेशली जो है फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड अभी भी जमीन पर ऑक्सीजन नहीं आई थी फिर क्या हुआ जब हुए? जब कौन से बैक्टीरिया हुए तो साइनोबैक्टीरिया ने कौनसी वाली फोटोसिंथेसिस शुरू कर दी ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस यानी अपनी फोटोसिंथेसिस में किसको इस्तेमाल किया वाटर को जब वाटर को इस्तेमाल किया तो क्या रिलीज करी ऑक्सीजन तो उस वक्त ये क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने वाले ऑर्गेनिज्म इतने नहीं थे तो इन्होंने लॉट ऑफ लॉट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज यानी बहुत सारी ऑक्सीजन क्या हुई एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई जब बहुत सारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हुई तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर किसमें कन्वर्ट हो गई ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में और उसी थ्री से ओ टू से जो है वो फिर क्या बन गया उस ओ टू से जो है फिर हमारी जो है ये जमीन के चारों तरफ ओजोन लेयर भी बन गई और फिर हमारी जमीन पर जो है वो सनलाइट जो है वो कैसे होकर आने लगी फिल्टर होकर आने लगी उसके बाद मजीद फिर जमीन में चेंज आया और इस तरीके से नई नई चीजें एवोल्ड हुई लेकिन अभी इसको हमने बाद में पढ़ना है ये तो मैं जस्ट आपको एक एक समराइज कर रहा था इस चीज को आगे हमने इसको डिटेल में पढ़ना है तो चलें अभी स्टार्ट कर देखते हैं आपकी बुक जो है वो क्या बता रही है तो आपकी बुक कहती है टू मेजर एंड कंट्राडिक्टी आइडियाज अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ अकॉर्डिंग टू द ओरिजन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर यानी जमीन पर जिंदगी किस तरीके से वजूद में आई कैसे लाइफ स्टार्ट हुई अब आपकी बुक में जम, ये तो नहीं बताया है कि जमीन की ओरिजिन कैसे हुई ये है कि जमीन पर लाइफ की ओरिजन कैसे हो ये आपने अपने आपके चैप्टर इस चैप्टर में इस चीज को डिस्कस किया गया है तो देखो दो किस्म के जो हैं वो कंट्राडिक्टरी आइडियाज हैं। एक आइडिया वो है जिसको कहते हैं स्पेशल क्रिएशन और एक वो है थ्योरी एक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये आप कह सकते हो टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं

उसकी जो है वो प्रेजेंट फॉर्म के अंदर जो है वो उनको क्या है बनाया है मतलब इंसान हमेशा से इंसान था पैरट हमेशा से था, से था रेप्टाइल्स हमेशा से रेप्टाइल थे तो मतलब अल्लाह ताला ने चीजों को उनकी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर ही बनाया है इन विच दे एग्जिस्ट टूडे एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ अंडर गोइंग एनी चेंज यानी जिस फॉर्म में उनको बनाया है वो उसी फॉर्म में रहेंगे और उनमें कोई चेंज नहीं आ सकता ये कहती है ये कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन द सपोर्टर ऑफ स्पेशल क्रिएशन आर कार्ड क्रिएशनिस्ट वो लोग या वो साइंटिस्ट उस जमाने में जो स्पेशल क्रिएशन का कॉन्सेप्ट को आ, क्या कहना चाहिए कि जो सपोर्ट करते थे उनको कहते थे क्रिएशनिस्ट जो लीनियस था लीनियस हम कहते हैं कार्ल्स लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनोमी

चीजों में चेंज आते आते लेकिन ये कहता है या ये थ्योरी कहती है कुछ लिमिटेड टाइम में अल्लाह ताला ने या गॉड जो है उसने पूरी यूनिवर्स को जो है वो और इंसान को जो है बनाया ए नेचुरल इवेंट सुपर नेचुरल इवेंट मतलब वो इवेंट है जिसको आप अपनी साइंटिफिक किसी थ्योरी से या किसी साइंटिफिक प्रैक्टिकल से प्रूव नहीं कर सकते थे फितरत या इस तरह की कोई टर्म ये उर्दू में इसके लिए यूज की जाती है तो इस तरह से जो है वो बनाया एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पास मखसूस टाइम के अंदर जो है वो गोड ने जो है वो ये पूरा यूनिवर्स और हमारी जमीन और जमीन पर इंसान और ये तमाम चीजें जो है वो क्रिएट की सही है ना ये सी वाली थ्यूरी ये है थ्यूरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कह लें या इसको कह लें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है वो रिजेक्ट हो चुका सही ना एज अः स्टूडेंट ऑफ साइंस हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर हम उस तरह हम हमें ये नहीं कह रहा कि हम एक क्रिएटर पर बिलीव नहीं करते हम क्रिएटर पर बिलीव करते हैं वी आर बिलीवर्स हम एक क्रिएटर पर बिलीव करते हैं क्रिएटर है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है लेकिन ये अगर कहना कि उसी जमीन ऐसी एस फॉर्म में बनाई है कोई चेंज नहीं आ रहा और किसी चीज में कोई चेंज नहीं आ रहा चीजें एक ही जैसी हैं और हमेशा से एक जैसी रहेंगी तो ऐसा तो नहीं है हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों के अंदर जमीन के अंदर हर चीज में आहिस्ता आहिस्ता क्या आता है चेंज आता है देखो जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा चेंज हो एवोल्यूशन कोई बड़े चेंज की छोटे छोटे जो चेंज आ रहे हैं जो माइनर चेंज है वो भी क्या है वो भी एवोल्यूशन का ही क्या है एक पार्ट है तो अल्लाह तला ने हम यही कह सकते हैं कि एवोल्यूशन जो हुई है वो एवोल्यूशन जो है वो कराने वाला जो क्रिएटर है वो कौन है वो गॉड है चले आगे हम चलते हैं अब देखें ये तो हमने बात की थी थ्योरी ऑफ थी, स्पेशल क्रिएशन की अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन यानी एवोलूशनिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट थिंग्स आर एवोल्ड नॉट क्रिएटेड ये कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है चीजें एवोल्ड हुई हैं उनको क्रिएट नहीं किया गया है द सपोर्टर ऑफ एवोलूशन आर कार्ड एवोलिस्ट जो एवोलूशन को सपोर्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं एवोलूशनिस्ट

स्पेशली है वो इंसान बनाया गया या especially, जो है, वो रेपेट ऑफन so uh, yani uh, ऐसा कोई क्रिएटिव एक्ट नहीं है इसका कि ने इनको इस तरह से क्रिएट किया है बट राधर द रिजल्ट ऑफ इनबल चेंज कहता है ये किसके रिजल्ट में बने हैं इन्यूमरेबल मतलब बेशुमार जो है वो चेंज आए फ्रॉम द फ्रॉम द लोअर टू हायर ईच स्टेप इज इन एडवांस बिगिन एन एवोल्यूशन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग टू प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन मतलब कह रहा है कि इनइमरेबल चेंज यानी बहुत बेशुमार चेंज आए देखो एक चेंज मैंने भी आपको ये चेंज मैं आपको बताता रहा हूं ना अभी अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि एक पार्टिकल था इसमें ब्लास्ट हुआ तो उसके ब्लास्ट होने से ये स्पेस बना फिर इस स्पेस के अंदर जो है वो गैलेक्सीज बनी स्टार्स फिर इन गलेक्सीज में एक स्टार था बड़ा स्टार था इसमें ब्लास्ट हुआ तो ये हमारा अर्थ बना फिर मैंने आपको बताया कि अर्थ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ये कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन मिथेन जितने भी मोलिक्यूल्स थे इन्होंने मिलकर जो है वो क्या बनाया इन्होंने मिलकर एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया कह लें तो ये प्रोकैरियोट बनाया प्रोकैरियोट से बना जो है वो यूकेर बने यूकेर में सबसे पहले प्रोटिस्टाज बने प्रोटिस्टाज से प्लांट बने एनिमल बने फंजाए बने फिर प्लांट्स में भी एडवांसमेंट आती रही एनिमल में भी तो मतलब ये था कि फ्रॉम लोअर टू हायर यानी हर चीज अपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ गई है वो बैक्टीरिया बिल्कुल सिंपल एक, सेल, एक सिंपल सेल था इससे और कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गए तो उनसे जो है वो आपके पास आ गए, गए एनिड्स आ गए फिर मजीद वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हुए तो वह मेमल्स आए इस तरीके से चीजें लोअर से हायर की तरफ चले गए जैसे सबसे पहले लोअर प्लांट इवोल्व हुए उसके बाद क्या क्या हुआ हायर प्लांट एवोल्व हुआ मतलब ईच स्टेप इन एडवांस बिगिन एंड एवोल्यूशन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन यानी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से एक एक स्टेप आगे की तरफ क्या है बढ़ते चलेगा और इस तरीके से जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या आती रही वेरिएशन जो है वो आती रही फिर कहता है, कि 5 जो है वो किस चीज पर बिलीव करते हैं वो बिलीव करते हैं कि जमीन फाइव बिलियन ईयर ओल्ड है अब आप कहोगे कि ये बात कैसे कह दी फाइव बिलियन ईयर ओल्ड है इसकी कोई प्रैक्टिकली प्रूव है या कोई प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिकली है अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो सारी की सारी थ्योरीज और वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको बताऊं लेकिन ये प्रैक्टिकली जो है वो पृथ्वी की जमीन 5 बिलियन ईयर ओल्ड है अबाउट देन अबाउट 3.5 बिलियन एग्रो लाइफ बिगिन जमीन पर जो जिंदगी आई है वो 3.5 बिलियन एगो जो है वो जमीन पर जिंदगी स्टार्ट हुई है

जमीन पर आया है ये जो लाइफ इमर्ज हुई है वो किस फॉर्म में आई है वो आई है एक प्रोकेर की फॉर्म में हमें पता है कि इस वक्त जमीन पर सबसे सिंपलेस्ट जो सेल है वो किसका है वो प्रोकेरोटिक सेल है तो सबसे पहले लाइफ जो आई है वो प्रोकेर की फॉर्म में आई है देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरिएशन हैज बीन हैजूमुलेटेड वक्त के साथ साथ इन प्रोकेरोड्स में क्या आता रहा चेंज आता रहा अब ये नहीं था कि तमाम के तमाम प्रोकेरोड्स में चेंज आ गया

about the definition of evolution what is evolution the word evolution refer to the gradual development of something so th this is a gradual change in something from simple to its complex form this is called evolution now uh, for example there is evolution of earth evolution of man evolution of plants and so forth uh, uh, earth is continuously changing हमारी जमीन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है आपको हमारी जमीन पर जो प्लान हैं प्लान की पोजीशन और ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता वक्ती तौर पर ये क्या होता है स्लोली स्लोली इनमें चेंज आ रहा है तो ये क्या है ये एवोल्यूशन है हमारा यूनिवर्स आज तक एक्सपेंड हो रहा है मतलब चेंज आ रहा है दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इवन एवोल्यूशन ऑफ मैन इंसान में भी तो एवोल्यूशन आ रही है आपके इम्यून सिस्टम है आज से पहले पहले कई मिलियन साल लोगों का इम्यून सिस्टम में और आज के लोगों के इम्यून सिस्टम में जो है वो फर्क है सही है ना तो इट मींस ह्यूमन में भी कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है ह्यूमन इसी तरीके से सेम प्लांट्स के अंदर भी अगर हम देखें तो प्लांट्स में भी चेंज आ रहा है तो दिस इज प्लांट एवोल्यूशन और ये चलती रहेगी आफ्टर डेट आई टोल्ड यू डेट देयर आर टू आइडियाज अबाउट द Origin of life on Earth. One is a special creation, another one is theory of evolution. What is a special creation? Uh, a special according to this uh, concept, everything is created by God in its present form. Everything is created by God in its present form. Uh, the supporter of a special creation are called creationists. Those scientists who believe on a theory of a special creation, they are called creationists. After that.

तो चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे ओरिजन ऑफ लाइफ ऑरिजन लाइफ की ओरिजिन जो है वो किस तरीके से हुई है no.